की ओर, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें तो आज टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। बता दें आपको, अलग अलग शहरों में जो आज टोटल लॉकडाउन है वो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये अलग अलग शहर हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, तमाम ऐसे अलग अलग जिले हैं जहां पर टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि राजधानी भोपाल में 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को छूट दी गई है टोटल लॉकडाउन में। वैक्सीनेशन लगाने के लिए अगर वो जा रहे हैं, टीका लगाने के लिए, आईडी कार्ड दिखाकर वो जा सकते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। बाकी पूरी तरह से आज टोटल लॉकडाउन है प्रदेश के अलग अलग ये शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सौंसर, रतलाम, बैतूल, खरगोन, विदिशा और नीमच। तो जिन 12 शहरों में आज टोटल लॉकडाउन है उनमें से 3 शहरों का हम रुख कर लेते हैं जहां मामले भी सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर का हम रुख करेंगे। इंदौर से अखिलेश सेन, ग्वालियर से प्रहलाद सेन, तो भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए। वासु, इस वक्त बताइए, भोपाल में फिलहाल प्रशासन, पुलिस ने क्या तैयारी की है? आज तीसरा रविवार है टोटल लॉकडाउन का, लेकिन हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्या है तैयारी आज? बिल्कुल दीपक, देखिए राजधानी भोपाल की बात हो या फिर पूरे मध्य प्रदेश की, कोविड 19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते रविवार को भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 13 शहर टोटल लॉकडाउन है, क्योंकि सरकार साफ तौर पर यह कह चुकी है कि अगर संक्रमण को रोकना है तो प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, तभी जन भागीदारी से इस पूरे कोविड 19 के संक्रमण को रोका जा सकता है। भोपाल की सड़कों का सूरत हाल आपको बता दूँ तो अभी आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं, इस समय जब हैवी ट्रैफिक होता था, लोग अपने कामों के लिए घरों से बाहर निकलते थे, रश होता था, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जगह जगह पर बैरिकेटिंग है, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, एक्स्ट्रा टुकड़ियों को पुलिस की तैनात किया गया है और बेवजह जो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को घर से बाहर आने जाने की अनुमति है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन और मीडिया की जो टीमें हैं बस वही अपना जो रोजमर्रा का जरूरी काम है वो कर रही हैं, ताकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो किसी भी तरीके से बाधित ना हो। इसके अलावा दीपक, वैक्सीनेशन का क्रम जो है वो लगातार चल रहा है, ऐसे में जो लोग घरों से वैक्सीन लगवाने के लिए निकल रहे हैं उन्हें भी इस पूरे लॉकडाउन से छूट दी गई है। लेकिन अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि संक्रमण को हमें रोकना होगा और संक्रमण की रोकथाम के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि हम कोविड 19 की सभी गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि संडे को जिस तरीके का ये नज़ारा है, यानी कि एक दिन का लॉकडाउन है, इसे बढ़ाने की नौबत ना आए। दीपक, चलिए आप नजरें बनाए रखिए, वासु हमारे संवाददाता बता रहे हैं, तस्वीरें भी हमने देखी, भोपाल की सड़कें सूनी सूनी नजर आ रही है, आमतौर पर ट्रैफिक होता है। इंदौर का हम रुख कर लेते हैं, आर्थिक राजधानी में क्या हाल है? अखिलेश कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त आप, और क्या प्रशासन पुलिस ने तैयारी की है, क्योंकि मामले तो इंदौर में भी लगातार लॉकडाउन लगाने के बाद भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं जो इंदौर है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है, और फिलहाल में मैं कलेक्ट्रेट चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये वो रोड है जहाँ कभी भीड़भाड़ हुआ करती थी, रस रहता था इस रोड के ऊपर, लेकिन आज जो रोड है वो पूरी सुनसान दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों ने भी जो कोरोना की भयावहता है उसको समझ लिया है, और उसके बाद जो लोग हैं वो बेवजह घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद है, एक्स्ट्रा बल यहाँ पर लगाया गया है, और उसके साथ ही जो नगर निगम है और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है। और उसके साथ ही अगर आशी की बात की जाए दीपक, तो 734 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज है जो इंदौर से निकलकर सामने आए, वहीं 2 लोगों की यहाँ पर मौत होना भी बताई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जो पिछले एक हफ्ते से लगातार 600 से ऊपर जो कोरोना के संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे थे, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर अब 700 पार हो चुका है। तो कहा जा सकता है दीपक कि इंदौर की स्थिति इस समय क्या है, इसी को देखते हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर अब जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो लोग घर से बाहर आए वो या तो इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोग हैं वो निकलकर सामने आए, या फिर जिनको वैक्सीन लगवाने के लिए जाना था वही लोग सामने आए, क्योंकि अभी इंदौर में 3 दिन का वैक्सीनेशन उत्सव बनाया जा रहा है, और हर एक व्यक्ति से आग्रह किया जा रहा है, अपील की जा रही है इंदौर कलेक्टर के द्वारा कि जो वैक्सीनेशन है वो लगवाई जाए। तो ये जो वैक्सीनेशन का काम है ये भी 13 तारीख तक सुचारू रूप से जारी है, जहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है इंदौर में, और जो एक व्यक्ति है वो कम तीन से चार लोगों को संक्रमित करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लोगों को भी समझना होगा कि जो संक्रमण है इसको सिर्फ जो लॉकडाउन, जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के माध्यम से हराया जा सकता है। तो लोगों को भी इनकी जो
जी चलिए समझा जा सकता है, प्रशासन ने तैयारी तो यहाँ पर पूरी कर ली है, लेकिन अब लोगों की सहभागिता इसमें कितनी दिखती है, बने रहिए आप। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, प्रहलाद सेन से बातचीत कर लेते हैं। प्रहलाद, ग्वालियर में तो खबर मिल रही है कि 32 घंटे के लिए ग्वालियर के बाजार बंद हो गए हैं, कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन तो प्रशासन ने लगा दिया है, लेकिन अभी आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं, ग्वालियर के किस इलाके में मौजूद हैं आप? ये दीपक, हम शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीमें हैं लगातार मुस्तैदी के साथ उन लोगों को रोक रही हैं जो बिना वजह घरों से निकल रहे हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जो बिना वजह घरों से निकले हुए हैं, जबकि शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू हो चुका है जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसमें इस बार वो ढील नहीं दी गई है जो पहले दी गई थी, यानी पिछली बार त्योहार था, जो बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं उनसे पूछताछ चल रही है और उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बार टीकाकरण को छूट दी गई है। जो लोग 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन्हें टीकाकरण कराने के लिए रियायत आज रविवार के दिन दी गई है। तो ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि ग्वालियर में भी लगातार अब संक्रमित मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 4 दिनों से लगातार 100 के पार मरीज मिल रहे हैं, 2 मरीजों ने कल उपचार के दौरान दम तोड़ा है, तो इससे स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है कि जो स्थिति है काफी भयावह है और इससे डरने की जरूरत है। हालांकि पूरा जो मार्केट है सुबह 10 बजे अमूमन ये मार्केट खुल जाता था, लेकिन इस बार ये मार्केट पूरी तरीके से बंद है। हालांकि मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और अन्य जो राशन की दुकानें हैं उन्हें रियायत दी गई है, दूध डेयरी उन्हें रियायत दी गई है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो किराने की दुकान, ब्रेड और टोस्ट आदि की दुकानों को भी बंद रखा गया है। तो बहुत ज्यादा सख्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकल रहे हैं जिन्हें रोकने की पुलिस पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम सामने की तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि कैसे पुलिस वहाँ पूछताछ कर रही है, चालानी कार्रवाई कर रही है, बात करने की कोशिश करते हैं जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आज किस तरीके की सख्ती बरती हुई है। बराबर सख्ती है, कोई भी बिना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोई अस्पताल जा रहा है या वैसा वही जाने दे रहे, बाकी लोगों को नहीं जा रहे पूर्ण रूप से। चलिए यानी समझा जा सकता है प्रहलाद, पुलिस जरूर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा जैसा कि हम भी कह रहे हैं कि लोगों की सहभागिता कितनी इसमें दिख रही है, प्रशासन ने जरूर लॉकडाउन लगाया है, दूध डेयरी पेट्रोल पंप को छूट दी गई है, होटल किराना दुकानें बंद करा दी गई हैं, और इंदौर भोपाल ग्वालियर तीनों जगह की तस्वीरें अभी अभी हमने देखी, हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स ने हमको दिखाई, ये समझा जा सकता है असर दिख रहा है लॉकडाउन का, लेकिन लोगों को फिर भी समझना होगा, एहतियात और सावधानी बरतना होगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़े, प्रहलाद ग्वालियर से और अखिलेश इंदौर से।